सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने की रेसिपी लाई हूँ, तो चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मेरे पास 1/2 kg मिल्क है और यहाँ पर 3 tablespoon शुगर है, 1 tablespoon कोको पाउडर है और यहाँ पर मेरे पास 1 tablespoon माइलो है, पाउडर है जो आम तौर पर घर में मौजूद होता है। और यहाँ पर मेरे पास मिल्क पाउडर है 1 tablespoon, माइलो पाउडर ये ऑप्शनल है, अगर किसी के पास नहीं है तो ये इतना अहम भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास राइट बिस्किट है, ठीक है, और ये अगर आपके पास ओरियो बिस्किट है वो भी सही है। और यहाँ पर मेरे पास 50 वाला डेयरी मिल्क है और ये चॉको बाइट्स हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 2 glass है जिसमें मैंने चॉकलेट सॉस साइडों में लगा लिए हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर जग है, तो उसमें मैं पहले फ्राइड बिस्किट ऐड करूँगी। और यहाँ पर चॉको बाइट्स भी मैं इसके साथ साथ ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब ये दोनों भी चीज़ें ऐड कर ली हैं और अब यहाँ पर मेरे पास जो चीनी मैंने ली थी वो भी ऐड कर दूँगी, माइलो पाउडर, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लेंड कर लिया है, तो इस पॉइंट पे कोल्ड मिल्क ऐड करूँगी मैं इस पॉइंट पे। मेरे पास डेयरी मिल्क है, इसको मैं सारा ऐड कर दूंगी, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। कर लिया है, देख सकते हैं, इसमें इसको ग्लास में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।